अस्सलाम वालेकुम। कराची में अफसोसनाक वाकिया, घर की गैलरी में कड़ी बच्ची फायरिंग से जा भाग, इलाके में कोहराम, हर आंख अश्कबार हो गई। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। आपको बताते चलें कि लांडी मानसेरा कॉलोनी स्ट्रीट नंबर 18 ईदगाह ग्राउंड के करीब फायरिंग से मकान की गैलरी में कड़ी बच्ची जाबाग हो गई। SHO फुरासत शाह ने बताया कि फायरिंग से जाबाग होने वाली कम उम्र लड़की की शनाख्त 13 साला अरीशा दुख्तर गयास अहमद के नाम से की गई। गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद जुबैर वल जरीन खान ने मोहल्ले के किसी बच्चे को दुकान से दूध लाने का कहा था, जिस पर बच्चे ने दूध लाने से इनकार कर दिया। गिरफ्तार मुलजिम बच्चे और उसके भाइयों से झगड़ा करने लगा और इसी दौरान मुलजिम ने हवाई फायरिंग की तो मकान की गैलरी में कड़ी 13 साला अरीशा माथे पर गोली लगने से मौके पर जाबाक हो गई। मकतूला एक हफ्ते कबल ही अपने अहले खाना के हमरा सऊदी अरब से छुट्टियां गुजारने के लिए मानसेरा कॉलोनी आई थी, जहां ये अफसोसनाक वाकिया पेश आया। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए हक पाकिस्तान न्यूज़।